जय हिंद, जय महाकाल। तो आप सबको पता ही होगा, पांचवा T20 था, दो दो से सीरीज बराबर थी। पहला इंग्लैंड ने जीता, फिर इंडिया, फिर इंग्लैंड, फिर इंडिया। आज डिसाइडर था, जो कि पता था रोमांचक होगा मैच, जो कि हुआ भी, लेकिन इंडिया की बैटिंग के बाद एक तरफा ही हो गया था। इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। इंग्लैंड ने बिल्कुल सेम टीम खिलाई, और इंडिया ने जो कि राहुल को बाहर बैठाया, क्योंकि वो चार मैचों से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बिल्कुल फेल हो रहे थे, उनको रिप्लेस किया नटराजन ने। तो एक सरप्राइज था, इंडिया के ओपनिंग में रोहित शर्मा के साथ आए कैप्टन विराट कोहली, और आते ही रोहित ने 64 रन बनाए 34 गेंदों में, 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से, और कोहली ने बनाए 80 रन 52 गेंदों में, 7 चौके और 2 छक्के। रोहित शर्मा को आउट किया, बेन स्टोक्स ने बोल्ड किया, जो कि गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई थी, वो बैट का अंदरूनी किराना लेके बोल्ड हो गए। सूर्या कुमार यादव ने अच्छी पारी खेली, 32 रन बनाए 17 गेंदों में, 3 चौके और 2 छक्कों के साथ, जो कि एक जो आदिल रशीद की बॉल थी, और जॉर्डन ने एक हाथ से बेहतरीन फील्डिंग की, और जेसन रॉय को फेंक के मारी बॉल, और उनको कैच आराम से कैच ले लिया, जो कि कैच होनी तो जॉर्डन के नाम चाहिए थी, लेकिन जेसन रॉय के नाम लिखी जाएगी। फिर आए हार्दिक पंड्या, 39 रन बनाए 17 गेंदों में, 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से। तो टोटल हो गए इंडिया के 224 पे 2, और सबको धोया भाई, भगा भगा के मारा है। जोरफर आर्चर जो कि कोहली की रफ्तार से फेंकते हैं, 4 ओवर 43 रन। आदिल रशीद 4 ओवर 31 रन, इन्होंने एक विकेट भी लिया। मार्क वुड 4 ओवर 53 रन, ये तो आ रहे थे और बाउंड्री पे जा रहे थे। क्रिस जॉर्डन 4 ओवर 57 रन। सैम करन ने 1 ओवर फेंका 1 ओवर 11 रन। बेन स्टोक ने 3 ओवर फेंके 26 रन, इन्होंने एक विकेट भी लिया। इसके बाद आते हैं इंग्लैंड की बैटिंग, तो जेसन रॉय और जोस बटलर की ओपनिंग बैटिंग थी। जेसन रॉय तो भाई फिर से आउट हो गई, जल्दी ही दूसरी बॉल पे बोल्ड कर दिया भुवनेश्वर ने। जोस बटलर और डेविड मलान ने क्या पार्टनरशिप किया यार, दबा दबा के मारा है इंडियन बॉलर्स को। 34 गेंद में 52 रन जोस बटलर, 2 छक्के और 4 छक्कों के साथ, 2 चौके और 4 छक्कों के साथ। डेविड मलान ने 68 रन पा खेले मारे 46 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्कों के साथ। जोस बटलर को आउट किया भुवनेश्वर ने, कैच लिया पंड्या ने, मलान को बोल्ड किया ठाकुर ने, और बैरिस्टो को 7 रन बनाए 7 गेंदों में 1 चौका था उसमें, और बोल ठाकुर और कैच सूर्य कुमार यादव। जो ये ओवर था ना जिसमें डेविड मलान और जॉनी बेस्टो आउट हुए, एक ही ओवर में सरदार ठाकुर ने गेम ही बिल्कुल चेंज कर दिया। गेम तो वहाँ चेंज हो गया था जहाँ भुवनेश्वर कुमार ने जोस बटलर को आउट किया, उसके बात तो मैच बिल्कुल ख़त्म सा ही हो गया था। और फिर होते हैं मॉर्गन भाई कैप्टन थे तो कुछ जलवा करके दिखाना था, लेकिन नहीं जी, कहाँ, 4 गेंदे 1 रन आउट। बोल पंड्या कैच, केएल राहुल जो कि सब्स्टिट्यूट थे, बेन स्टोक्स आए 2 चौके एकदम, तो एक बार तो इन्होंने 2 चौके लगा के पूरा खिला दिया था सबको, लेकिन 12 गेंदे 14 रन बनाए 2 चौके के साथ। फिर आते हैं जॉर्डन, 10 गेंदों में 11 रन, 1 छक्का भी लगाया इन्होंने। जोरफर आर्चर 2 गेंद 1 रन। सैम करन वाह क्या बैटिंग करी है यार, लास्ट ओवर में सरदार ठाकुर को 2 छक्के लगाए, 3 गेंद 14 रन। इस तरह से इंग्लैंड होती है 188 पे 8 आउट। इंडिया ने जीता इस मैच को 36 रन से, और मैन ऑफ द मैच तो भाई जाहिर सी बात है कौन होना चाहिए, भुवनेश्वर कुमार। जी हाँ, सही गैस किया आपने, भुवनेश्वर कुमार। क्या बॉलिंग की है यार, दबा के आए यॉर्कर पे, यॉर्कर जब यॉर्कर चाहिए थे, जब यॉर्कर डाली, जब लेंथ गेंद चाहिए थी, जब लेंथ गेंद डाली, और मैन ऑफ द सीरीज, जी हाँ, आप और हमारे सबके प्यारे विराट द रन मशीन कोहली, द कैप्टन कोहली, द किंग कोहली। जी हाँ, तो बने रहिए, बताना मेरी हाईलाइट कैसी लगी, पहली बार ट्राई किया था तो माफ़ करना, कुछ गलती होगी तो सॉरी, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं बाद में। 23 मार्च को देखना ना भूलिए, इंडिया और इंग्लैंड का पहला ODI। जय हिंद।